छतरपुर में सरपंच ने रोजगार सहायक को गोली मार दी। बताया जा रहा है रोजगार सहायक का पंचायत के काम को लेकर सरपंच से विवाद हुआ था और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच ने रोजगार सहायक को गोली मार दी। इस अपराध में अन्य 3 लोग भी शामिल हैं। हमले के बाद घायल रोजगार सहायक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मामला चाची सेमरा का है, जहां पंचायत के किसी काम को लेकर पंचायत के रोजगार सहायक बाबूलाल आदिवासी का विवाद सरपंच से हुआ था और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रोजगार सहायक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद सरपंच सहित 4 आरोपी फरार हो गए। गोली लगने से रोजगार सहायक वहीं गिर गया, जिसके बाद उसे पहले बकसवा सामुदायिक केंद्र लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से रोजगार सहायक को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं रोजगार सहायक की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच मलखान लोधी सहित अन्य 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये अपने दर पे गंभीर हालत में रात में 12 बजे के समथिंग आए हुए थे, जबकि इनका गोली लगने का जो समय लगभग 7 से 8 के बीच में बताया जा रहा था, क्योंकि उनके दाहिने पैर पे जो अपना देसी कट्टा होता है उसके माध्यम से गोली चलाई गई थी। बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें तो उनके लिए नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एज ए प्रिकॉशनरी, ताकि कोई छर्रे वगैरह अंदर ना रह जाए, तो इसकी वजह से उनके लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। वहाँ पे जो रोजगार सहायक हैं बाबूलाल आदिवासी, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको कुछ लोगों ने गोली मारी है और चूंकि कंडीशन सीरियस थी तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमोह चले गए। नियर बाय जो हॉस्पिटल था वहाँ से हमारे पास देहाती नालसी आई है और देहाती नालसी में 307 SC स्टेट और आर्मसेट की FIR हुई है, जिसमें 4 आरोपी हैं, मलखान लोधी, लोकमान चरण और भान सिंह, 4 के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड की गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।